नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश और विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री यहां सबसे पहले पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर अजमेर में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इससे पहले पहलवान अपने मेडल गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंचे थे, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के कहने पर रुक गए। पिछले 11 दिनों से रुका मानसून बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली समेत 10 राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में आज माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी। बता दें, मुख्तार अंसारी की कुल 4 मामलों में सुनवाई होगी। रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में यूक्रेनी हमले में एक नागरिक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उत्तराखंड में आदि कैलाश के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पहली बार श्रद्धालु सड़क से यात्रा कर रहे हैं। बता दें, पहले जहां यात्रा में 10 दिन लगते थे, अब श्रद्धालु 5 घंटे में ही पहुंच रहे हैं। इमरान खान के करीबी दोस्त और पूर्व आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद ने अलकादिर ट्रस्ट स्कैम केस में 5 अरब रुपए की रिश्वत ली। ये खुलासा इमरान सरकार में मंत्री रहे और उनके दोस्त फैजल वावड़ा ने किया है। सन 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों की प्लानिंग में शामिल अब्दुल सलाम भुटावी की पाकिस्तान की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो पंजाब प्रांत के शेखपुरा जेल में टेरर फंडिंग के मामले में सजा काट रहा था। फिलहाल सुबह की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।